जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th, चैप्टर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, त्रिभुजों और समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल. ओके, पहले तो हम नाम से फेमिलियर हो जाएं. आप जानते हो सब कुछ, बट एक बार रिवीजन तो बनता है ना बच्चों. तो सबसे पहले आते हैं पैरेललोग्राम्स, यानी कि समांतर चतुर्भुज. समांतर चतुर्भुज तो पूरी एक फैमिली है. आप जानते हैं इसमें जो दो साइड्स, मतलब जो दो अपोजिट साइड्स के पेयर्स होते हैं ना, सम्मुख भुजाओं के युग्म है ना, ये आपस में समांतर होते हैं, तभी इन्हें हम समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम्स कहते हैं. अगर ये ए बी सी डी है, इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है. और अगर ए डी ली जाए तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ए डी और बी सी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है. गॉट इट? इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज कहते हैं. और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे. अभी पढ़ना क्या, यही तो पढ़ना है अपने को, है ना. प्रॉपर्टीज अभी हम आपको बताएंगे. ओके, दूसरी चीज ट्राइंगल. ट्राइंगल तो सभी जानते हैं, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स. अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की एक फैमिली है पैरेललोग्राम. ट्राइंगल क्या है? अ फिगर, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, ठीक है ना. एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं. त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, ए सी, है ना. तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, एंगल्स हो गए, है ना. तो ये ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल हो गया. अब बात आती है एरिया की, क्षेत्रफल. एरिया कोई पूछे, पता तो है लेकिन हम वो ऐसे ऐसे होता है ना, उसको कहते, ऐसे नहीं होता, एक प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए ना बच्चों. तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, मैं अब आपको सबसे पहले तो वो बता रही हूँ, ठीक है. देखो, ये जो मेरी कॉपी है इस समय, ये मेरे लिए प्लेन है. प्लेन, प्लेन, ये हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है, ये समतल है. समतल, ठीक है. केवल तल बोलोगे ना तो भी चलेगा, तल बोल दो तो भी चलेगा. तो ये एक तल है, एक समतल है, एक प्लेन है, ठीक है. इस प्लेन में मैंने बना दिया ये ट्राइंगल, ठीक, बंद आकृति बना दी. ऐसी खुली नहीं बनानी, तीन भुजाएं तो ये भी है, देखो एक दो तीन, लेकिन ये कोई आकृति नहीं है, है ना. खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है. अब इस आकृति ने, चाहे वो त्रिभुजाकार है, चाहे वो कैसी भी है, सर्कल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है. इसने क्या किया, ये जो प्लेन है ना, इसके तीन हिस्से कर दिए. अब आप बोलोगे तीन कैसे, देखो एक तो कहलाता है बाह्य, हिंदी में कहते हैं बाह्य, बाह्य भाग. इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर. ओके, ये एक्सटीरियर कहलाता है. ये अंतः भाग है, अंतः भाग. इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर. तीसरा कौन सा हुआ, तीसरा हुआ ये बाउंड्री. कोई चिड़िया इस बाउंड्री पे आकर बैठ गई तो ना अंदर है ना बाहर है, वो तो बाउंड्री पर है, समझे कि नहीं. तो तीन हिस्से हो गए, एक तो बाउंड्री हो गई, एक अंतः हो गया, एक बाह्य हो गया, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक बाउंड्री. गॉट इट, ठीक है. अब कोई भी क्लोज्ड फिगर इस पूरे प्लेन का अपने अंदर कितना रीजन लेके बैठी है, वो उस फिगर का एरिया कहलाता है, यानी कि क्षेत्रफल कहलाता है. कोई भी बंद आकृति ने समतल का जितना पोर्शन, रीजन जो अपने अंदर समेटा होता है ना, उसको हम नाप लें, मेजरमेंट कर लें किसी तरीके से, उसको हम एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल. अभी क्लियर हो गया ना, क्षेत्रफल क्या होता है. प्लेन फिगर्स का होता है क्षेत्रफल, 3D फिगर्स का नहीं होता, उनका सरफेस एरिया होता है, वो अलग चीज़ है. प्लेन फिगर्स का एरिया होता है. प्लेन फिगर्स का एरिया क्या होता है, वो बाउंड करती है ना अपने अंदर जितना पोर्शन, उसको एरिया कहते हैं. इसे सर्कल है, ये सर्कल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, है ना, ये पैरेललोग्राम का एरिया, ये. ओके, अब इस चैप्टर में बच्चों हम ये एरिया ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है.
ये पहली चीज हो गई, हमने पहले आपको नाम का मतलब एक एक चीज क्लियर कर दी। दूसरी चीज बच्चों मैं आपको सिखाऊं, आपने पढ़ लिया है सर्वांगसम त्रिभुज यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आप जानते हो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, दो चीजें अगर एक दूसरे से ऐसी फिगर है, ये ऐसी है ठीक है, एक और बिल्कुल ऐसी बना दूं और एक के ऊपर एक रख दूं तो पूरी तरह से कवर कर लेगी ना, तो जो फिगर्स एक दूसरे को कंसाइड करती है पूरी तरह से कवर कर लेती हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी कि सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। अगर सर्कल सर्वांगसम होगा तब कब होगा, जब उसकी रेडियस, दो सर्कल है दोनों की रेडियस इक्वल है तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ट्रायंगल्स कब होते हैं आप सभी जानते हो, तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए तब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो छह चीजें हम इक्वल नहीं कर पाते, इसीलिए हमने थ्योरम्स बना लिए, ऐसे 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 वो सब मैंने आपको क्लियर किया है, ये एक्सियोम है, अभिग्रहित है और ये जो भी ठीक है। तो सर्वांगसम आकृतियां आपको याद है ठीक है। अब मैं आपको आज की दूसरी बात बता रही हूँ, पहली बात इनके नाम को क्लियर किया, दूसरी बात बच्चों में जो आपको बता रही हूँ वो ये है कि कोई भी दो आकृतियाँ अगर सर्वांगसम है, जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, मैं यहाँ पर छोटे छोटे दो ट्राइंगल बना रही हूँ ठीक है, एक है ए बी सी एक है डी ई एफ, गॉट इट, ये दोनों कैसे हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये चीज का अभी बहुत उपयोग होने वाला है, बहुत ज्यादा, तो ये बच्चों आप याद रखना जो मैंने अभी अभी आपको बताई, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है ना तो उनका एरिया इक्वल होता है, गॉट इट, आया समझ में। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है, अगर दो फिगर्स का एरिया इक्वल है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, ऐसा नहीं है। देखो मैंने बना दिया एक ट्राइंगल ठीक है, मैंने बना दिया एक सर्कल, अब चांस की बात है इसका एरिया बराबर है, इक्वल है, लेकिन इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है कि आपको दिख रही है कहीं से कॉन्ग्रुएंट, किसी को नहीं दिख रही कॉन्ग्रुएंट है ना। तो अगर एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो एरिया इक्वल होना मस्ट है, होगा ही होगा। ये अंतर आपको क्लियर हुआ बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा, दूसरी हो गई। तीसरी बात सुन लो फिर हम अपनी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तीसरी बात ये है कि कोई टेढ़ा मेढ़ा फिगर है, ऐसा फिगर है ठीक, और मुझे चाहिए इसका एरिया। अब भाई ना तो ये क्वाड्रिलेटरल है ना ये ट्राइंगल है, कुछ भी तो नहीं है, तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ देते हैं। जैसे कि ये ट्रेपेजियम लग रहा है मुझे, यानी कि समलंब चतुर्भुज, ये त्रिभुज है, ये भी समलंब लग रहा है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, ये त्रिभुज हो गए, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 पाँचों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आपके बुक में एक डायग्राम पता है कैसा दिया, ऐसा, ये पैरामीशियम एक कोशीय जीव होता है ना, ऐसा दिया है। अब ये एक पोर्शन है ठीक और ये एक पोर्शन है, तो आपको पूरे फिगर का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, इसका निकालोगे इसका निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। ये आपकी तीसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि जब हमको एक बड़े फिगर का एरिया निकालना हो जिसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम उसको पहले छोटे छोटे टाइनी पोर्शंस में ब्रेक करेंगे, फिर हर पोर्शन का अलग अलग एरिया निकाल देंगे, उनको ऐड कर देंगे, गॉट इट, आया समझ में। आखिरी चीज, तीन हो गई ना, आखिरी चीज ये है, देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक चतुर्भुज बन गया ना, ये एक और चतुर्भुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, ऐसे कुछ भी बन सकता है, उल्टा बना लो ऐसे, ये देखो ये सेम बन गया ऐसे, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में बहुत सारे फिगर्स बन सकते हैं ठीक। अब हमारी प्रश्नावली 9.1, पहले बच्चों हम हिंदी में लिखना ही भूल गए थे, फिर हमने ऊपर लिख दिया, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाएं लिखिए।
Which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such a case, write the common base and the two parallels. ठीक है, चलिए ये first है, बताओ ये जो एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ए बी सी डी, दिख रहा है ना, एक त्रिभुज दिख रहा है पी डी सी, ये मुझे दिख रहे हैं दोनों, देखो दोनों का आधार डी सी है, देखो ये वाला चतुर्भुज है ना, ये भी डी सी पे खड़ा है, ये जो त्रिभुज है ये भी डी सी पे खड़ा है, तो ये तो आएगा यस, ठीक है, और इसका बेस क्या होगा, बेस होगा डी सी, है ना, और पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, ए बी एंड डी सी, यहाँ हम लिखेंगे ए बी एंड डी सी, गॉट इट, आया समझ में। इधर आ जाओ सेकेंड फिगर पे, इसमें एक पैरेललोग्राम है या जो भी क्वाड्रिलेटरल है पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू या पी क्यू आर एस, ऐसे दूसरा है एम एन आर एस, इन दोनों का बेस तो सेम है बच्चों, देखो एस आर बेस तो सेम है, लेकिन पैरेलल्स के बीच में नहीं है, सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है, इसकी पैरेलल है पी क्यू, एस आर की पैरेलल है, और एम एन भी एस आर के पैरेलल है, लेकिन ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित नहीं है, तो ये नो, यानी दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, सेम बेस भी होना चाहिए और सेम पैरेलल्स के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है, ये है क्या, देखो मैं क्लास में होती ना तो आपसे पूछती, ये है क्या, यस, उल्टा करके देख लो ना बच्चों, आर क्यू को ले लो, देखो आर क्यू इसका पूरे क्वाड्रिलेटरल का भी बेस है, आधार है ना, और ये जो त्रिभुज है टी आर क्यू, ये टी कहाँ पर है, पी एस के ऊपर ही तो है, कहने का मतलब है कि ये वाला चतुर्भुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो इसका बेस क्या होगा, आर क्यू होगा, है ना, और पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, पी एस एंड क्यू आर, ये पैरेलल हो गई, ठीक है, आपको आ रही है ना मेरी बात समझ में, इस डायग्राम पर आ जाओ, इस पर तो चाहे जितना दिमाग लगा लूँ, देखो अगर मैं पैरेललोग्राम ये वाला ले रही हूँ हाँ, और इसका बेस ले लूँ बी सी, तो ये जो पी क्यू है ये तो बी सी के से काट के बना है, पूरा का पूरा बी सी थोड़ी आर आर क्यू पी का बेस है, पी क्यू बेस अलग है, बी सी बेस अलग है, यानी कि एक शर्त तो पूरी हो रही है कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ये बात तो सही है, लेकिन इनका आधार समान है, ये बात गलत है, तो आधार समान नहीं है लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में है, हमारी दोनों स्थितियां पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे नो, ठीक है, सर्दियों की धूप है, थोड़ा सा आनंद लीजिए इस पर पढ़ने का। चलिए अब इस पर आते हैं, इस डायग्राम पर, इसमें बताओ है क्या, यस इसमें है, कैसे, देखो एक ले लिया मैंने ए डी सी बी या ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी है ना, ये इसका बेस क्या है, ए डी, और ये समांतर रेखा है, ठीक है, इसके बाद ए डी बेस इसका भी है, ए पी क्यू डी, देखो ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी का बेस भी तो ए डी है ना, और समांतर रेखाएं यही है, यानी कि ये तो यस है, इसका बेस क्या है, इसका बेस है AD, और पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, AD और BQ, AD एंड BQ, ये पूरी BQ पैरेलल है AD के, है ना, इसी में से इस वाले को भी मिल गई PQ और इस वाले को मिल गई BC, है तो सेम पैरेलल लाइंस, तो ये यस हो गया, है ना, यस, ठीक, अब आ जाओ ये लास्ट केस, ये वाला आ, 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 ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एस आर को बेस ले लो तो नहीं हो रहा, इसको बेस ले लो, इसको ले लो, ये तो हो नहीं रहा, पैरेलल लाइन सेम होने से क्या होता है, बेस तो सेम नहीं हो रहा ना किसी का भी, तो इसका आंसर होगा नो, गॉट इट, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं, मैं पूरा जो चैप्टर आने वाला है ना आगे 9.2 से लेके आगे तक, सब में लगभग ये थ्योरम यूज़ होने वाली है, और ये थ्योरम आपकी बुक में सॉल्व दी हुई है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि जब आप उसको बुक में देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसका स्टेटमेंट सब लोग याद कर लीजिएगा, ये आपको बार बार लिखना होगा, इसको याद कर लीजिए,
parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. Parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area, याद कर लो, ठीक है? हिंदी वाले भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं. रट लो इसको. एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं. अब बच्चों मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है? एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी. एक समांतर चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी, ठीक. दूसरा समांतर चतुर्भुज क्या है? ई एफ सी डी. दिख रहा है ना आपको? ई एफ सी डी थोड़ा नीचे करूं क्या? अभी दिख रहा है, देखो. एक है ए बी सी डी और एक है ई एफ सी डी. अभी तो पक्का दिख रहा होगा. ई एफ सी डी आपको बताना है. ये दोनों समांतर चतुर्भुज का आधार देख लो एक जैसा है, डी सी. दोनों का आधार डी सी है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, है कि नहीं है? आपको बताना है कि इनका एरिया, देखो एरिया कैसे लिखते हैं, ए आर. इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं होता, बस ए आर लिख दो. हिंदी वाले चाहें तो क्षेत्रफल लिख दो, क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी. तो अगर आप ए आर भी लिखोगे बच्चों तो चलेगा, है ना? तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये मुझे बताना है. रेडी? समझ गए ना? अब मैं बताऊँ आपको आगे, सुनो. ये वाला चतुर्भुज ले रही हूँ, पैरेललोग्राम ए बी सी डी. पहला समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी. इस ए बी सी डी के दो टुकड़े हैं. इसको नहीं देखना बच्चों, अर्जुन की तरह से इसको नहीं देखना. किसको देखना है? केवल इन दोनों को. तो ये क्या है बताओ मुझे? ए ई डी क्या है? ए ई डी एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है. ई बी सी डी क्या है? ई बी सी डी, ई बी सी डी एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम है ना, लिख दो यहाँ पर, ट्रेपेजियम. हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है बच्चों? ये वाला, ये दिख रहा है आपको? चलो इसको थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं. ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक हो गया, ऐसे कर दिया. ये है त्रिभुज वन और ये है त्रिभुज टू. दो त्रिभुज है, एक इधर एक इधर. अब ये जो त्रिभुज वन है, ये जब हम इस ट्रेपेजियम में जोड़ दें तो बन जाएगा ए बी सी डी. अगर ये वाला त्रिभुज इस ट्रेपेजियम में जोड़ दें तो बन जाएगा ई एफ सी डी. गॉट इट? आया समझ में? ये जो ट्रेपेजियम है ये दोनों में कॉमन है. इसमें इसको जोड़ दो तो ये वाला बन जाता है, इसमें इसको जोड़ दो तो ये वाला बन जाता है. अगर इन दोनों का एरिया मैं किसी तरीके से ये बता दूं कि ये एरिया इक्वल है तो मेरी बात सच हो जाएगी कि ए बी सी डी का एरिया ई एफ सी डी के एरिया के इक्वल है. क्योंकि ये वाला इसमें जोड़ रही हूँ, ये वाला जोड़ रही हूँ, तो दोनों का, इन दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है. चलो इन दोनों के बारे में बात करते हैं. आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि when a transversal intersects two parallel lines, then corresponding angles are equal, संगत कोण बराबर होते हैं. ये संगत कोण होते हैं, जानते हो ना? मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा. अब सुनो इधर, ये जो AD है और ये जो BC है, AD और BC, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, देखो AD और BC ये आपस में कैसी हैं? पैरेलल है कि नहीं है? AD और BC, तभी तो ये समांतर चतुर्भुज बना. ये समांतर है ना? इनको ये AF काट रही है, तो कौन कौन से कोण बराबर हुए? एक तो ये वाला, एक ये वाला. ये कैसे हुए? ये संगत कोण हुए और ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक. अब आप ले लो CF, ये रहा CF और ये लिया मैंने DE. इन दोनों को भी आगे बढ़ा दी. ये दोनों भी कैसी हैं? समांतर हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो ये इसके समांतर है. फिर से मैंने ले लिया AF, AF इनको काट रही है, ठीक. अब की बार इधर वाले ले लो संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले. इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ई और एंगल एफ आर इक्वल, ई एंड एफ आर इक्वल, ठीक है. ए एंड बी आर इक्वल, ई एंड एफ आर इक्वल, गॉट इट. ए और बी इक्वल है, ई और एफ इक्वल, ठीक.
किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। सब जानते हैं, अगर ये दोनों कोण दो त्रिभुज है मान लो, ठीक है, इसका भी 180 है, इसका भी होता ही है वो, तो ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर है, बचा कौन सा? ये तीसरा वाला, तो तीसरे का भी तो इक्वल होना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों का योग तो 180 आना चाहिए। अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो तीसरा वाला भी इक्वल होगा। अब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब जो बचा हुआ तीसरा एंगल है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये एंगल जहां मैंने राइट लगा दिया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ चुके हैं। चलिए अब देखो, AD इज इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AD और BC इक्वल है। इसके बाद ये ED है, ED और CF भी इक्वल है, क्योंकि ये भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, समांतर भुजाओं की विपरीत, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो गई, और ये कोण तो बराबर है ही। आपको पता है SAS अभिग्रहित, आप जानते हो SAS अभिग्रहित से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब दो त्रिभुज, अभी अभी हमने सीखा ना, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, त्रिभुज ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अभी अभी तो सीखा हमने कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। अब सुन लो इसको, इसका क्षेत्रफल और इसका, चलो मैं अब इसको डार्क कर दूं, बिल्कुल एक सेकेंड लगेगा बस, हाँ इसको और इसको पूरी तरह से डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब इनका एरिया इक्वल है, जो डार्क पोर्शन है इनका एरिया इक्वल है, ठीक है, इसका और इसका एरिया इक्वल। अब ये बीच वाला ट्रेपेजियम है ना, समलंब चतुर्भुज, ये तो दोनों में था। अब इस समलंब चतुर्भुज में मैंने ये त्रिभुज जोड़ दिया तो बन गया ADCB, फिर मैंने इस समलंब चतुर्भुज में ये त्रिभुज जोड़ दिया तो बन गया EDCF, इसका मतलब ADCB और EDCF ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा सुन लेना, ठीक। इसका मतलब पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बुक में दी हुई है, इसको आप समझ लेना। अब बच्चों ये जो है ना, ये इसकी छोटी बहन है, ये इसकी कॉरोलरी यानी कि उपप्रमेय है, लेकिन ये इन्होंने एग्जाम्पल टू बना के सवाल की तरह से दे दी है, इसका उपयोग भी हम सवालों में करेंगे, तो इसलिए इसको भी सुन लो, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है ये। इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम्स पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इन्होंने प्रूव दैट करके इसको सवाल बना दिया, जबकि ये थ्योरम है ना। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखो, जब दो पैरेललोग्राम्स थे इनका एरिया इक्वल था, अब क्या है, अब एक त्रिभुज है एक पैरेललोग्राम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये है हमारा। और बच्चों ये आएगा एग्जाम में, लाइक आएगा यानी कि यूज होगा, हम जो सवाल करेंगे ना उसमें हम कई बार ये बात को यूज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी याद कर लेना। अब मैंने लिया एक पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी, दिख रहा है आपको ए बी सी डी, दिखा। एक लिया मैंने ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है पी ए बी, पी ए बी। अब मुझे बताना है कि ये जो पी ए बी है इसका एरिया ए बी सी डी के एरिया का हाफ होना चाहिए, पी ए बी का एरिया ए बी सी डी का हाफ, ठीक। मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। ये जो पी ए है ना बच्चों, पी ए, पी ए के समांतर एक लाइन बना दी, रेड कलर से दिख रही है आपको, पी ए और ये वाली लाइन पैरेलल है, इसका कुछ भी नाम रख दो, ए बी सी डी पी, तो इसको क्यू कर दो, ओके मैंने एक लाइन बना दी, ओके।
और ये जो खाली जगह थी ना इसको भी जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, पी ए बी क्यू क्या है? पी ए बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों है? क्योंकि पी ए के पैरेलल ही तो मैंने क्यू भी बनाई है, है ना? और ए बी और पी क्यू तो पहले से ही पैरेलल इन्होंने दे रखी है, तो जब दोनों ही अपोजिट साइड्स पैरेलल है इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब पी ए बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और पी बी क्या है? पी बी इस समांतर चतुर्भुज का कर्ण विकर्ण है, यानी कि डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब हमने एक चीज तो पैरेललोग्राम के टाइम पे पढ़ ली है कि ये रहा पैरेललोग्राम, इसका जो डायगोनल होता है ना ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ए ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है। और तुमको ये तो पता ही है कि सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, वो अभी आज पढ़ा हमने, नई चीज पढ़ी है ना। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल पी ए बी है ना बच्चों, पी ए बी, हाँ, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, पी ए बी का क्षेत्रफल बराबर होगा पी क्यू बी के, पी क्यू बी इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। इसका मतलब अगर कोई मुझे कहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी ए बी का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, ऐसे लिख दूं क्या? पी ए बी क्यू, बोलो। देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया बराबर है, देखो इधर वाले का और इधर वाले का बराबर है, है ना। यानी कि हर ट्रायंगल का एरिया पूरे वाले का आधा माना जाएगा ना, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब पी ए बी पी ए बी क्यू का आधा है, पी ए बी पी ए बी क्यू का आधा है। इतना समझ गए, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। अब पी ए बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, डी ए बी सी ये भी तो है, और दोनों एक ही आधार पे बन रहे हैं, और अभी अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी उसके हिसाब से यही तो पढ़ा हमने कि जब एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में दो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर, यानी कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो पी ए बी क्यू है, पी ए बी क्यू इसका एरिया ए बी सी डी के इक्वल होगा, है ना। पी ए बी क्यू का एरिया ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो ये जो पी ए बी क्यू है इसकी जगह पे हम ए बी सी डी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी और पी ए बी क्यू बराबर है, और जो पी ए बी है वो पी ए बी क्यू का आधा है, तो पी ए बी क्यू का आधा है तो इसको ए बी सी डी का भी आधा होना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। समझे मेरी बात? चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सीमा और रीमा, ठीक है। सीमा और रीमा ये दोनों इक्वल हैं, और टीना जो है वो सीमा की आधी है, ऐसे समझो। सीमा और रीमा ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और जो आ गई टीना, टीना की उम्र सीमा की उम्र की आधी है, तो टीना की उम्र रीना की उम्र की भी तो आधी मानी जाएगी, मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ये इसकी आधी है तो ये इसकी भी आधी होगी, सिंपल, है ना। ये दोनों सीमा और रीमा जो है मान लो 20-20 साल की है, ये 10 साल की है, तो ये इसकी आधी है, तो क्या इसकी आधी नहीं है? इसकी भी आधी है। बस इसी तरीके से ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल बराबर है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले का आधा है तो दूसरे वाले का भी आधा ही होगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, खूब पढ़ाई करो और जल्दी से 10th क्लास में आ जाओ। जय हिंद।